हेलो दोस्तों तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2017 के सी एस आर नेट के पार्ट बी के सारे अलजिब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे मैंने आपको एलिमिनेट करके कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक बताई थी आज के इस वीडियो में मैं उसी पेपर के दिसंबर 2017 के पेपर के रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस जो पार्ट टू में आए थे वो सॉल्व करूंगा। इसी इस बार भी मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा, जिसमें हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते बल्कि जो ऑप्शंस गलत है उनको हटाते हैं और अपना आंसर निकालते हैं तो चलिए तो डिसम्बर ट्वेंटी का पहला रियल एनालिसिस का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दिया है जिसमें ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो यहाँ पे देखो कि ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है और ऊपर से बाउंडेड नहीं है तो हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज़ करना है द सीरीज समेशन वन बाय ए एन स्क्वायर डाइवर्जिस ये तो ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि हम एग्जाम्पल लिखते हैं टेक एन टू बी एन देन हमें पता है समेशन वन बाय एन स्क्वायेर कॉन्वर्ज होता है तो पहला ऑप्शन गलत है दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ए एन वाली सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है ए एन बढ़ती जा रही है फिर तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है तीसरा या फिर चौथा ऑप्शन में से कोई तो एक ऑप्शन सही हो सकता है तो चौथे ऑप्शन के लिए अगर वही एग्जांपल ले लो एन इक्वल टू एन देन समेशन वन बाय एन कॉन्वर्जिस ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता है समेशन वन बाय एन कॉन्वर्ज नहीं होता है तो चौथा ऑप्शन भी गलत है तो बचता है अपना ऑप्शन थ्री तो ऑप्शन थ्री सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री लेट डी बी अबसेट ऑफ रियल लाइन कंसीडर द स्टेटमेंट एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस इन डी हैज अ सब विच कॉन्वर्जिस इन डी ट्रू। अगर आपको सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पता हो तो वो एग्जैक्टली exactly सेम है जो यहाँ पे दिए हर एक इंफाइनेट सिक्वेंस की एक सब सिक्वेंस होती है जो उसी सेट में कॉन्वर्ज करती है तो हम लोगों को बस ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें एक कॉम्पैक्ट सेट दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है और इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है दूसरा ऑप्शन में डी कॉम्पैक्ट है टिक करो आगे बढ़ो लेकिन मैं बताने के लिए बताता हूँ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में सेट ओपन लाइक क्लोज्ड नहीं है इसलिए वो कॉम्पैक्ट नहीं है अभी अगर इन केस यह क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और आपको ये कॉम्पैक्टनेस की ये वाली डेफिनेशन पता नहीं हो सीक्वेंस वाली डेफिनेशन पता नहीं हो तो इन केस अगर आंसर टिकी करना है तो आप ऑप्शंस देख सकते हो और चारों ऑप्शन में से ऑड वन आउट निकाल सकते हो ये टेक्निक हमेशा काम नहीं करती लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करती है तो देखो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी वाला सेट क्लोज है तो वो एक ऑर्ड आउट है तो उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन यह टेक्निक हमेशा काम नहीं करती तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर पे लेट एफ फ्रॉम जीरो इंफिनिटी टू आरबीआई यूनिफॉर्मली देन लिमिट ऑफ एक्स तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में एक्स गोज टू जीरो प्लस और एक्स गोज टू इन्फिनी वाली के लिमिट के बारे में बता रहे हैं वो लिमिट या फिर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं वो फंक्शन लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इस फंक्शन में जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इंफिनिटी पे भी कर रही है तो पहली बात तो यह है कि अगर अपना फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो उसको बाउंड्री पॉइंट्स पे कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर सकते हैं तो कोई भी हालत में ये लिमिट ऑफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू जीरो प्लस एक्जिस्ट करनी चाहिए तो इसमें से अपने फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है थर्ड या फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि उसमें वो बता रहे हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंस टू जीरो प्लस डज नॉट एग्जिस्ट तो पहले और से, और पहले और सेकंड ऑप्शन अभी एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाली केस अपने को सॉल्व करनी है अभी ये फंक्शन लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है लेकिन उसकी लिमिट एज एक्सटेंस टू इन्फिनिटी नॉट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और बच्चा अपना ऑप्शन टू जो कि अपना सही आंसर है तो देखो एग्जाम्पल लेके हमने यहाँ पे सॉल्व किया अगर तुम थियोरी वाइज सॉल्व करने जाते हो तो ये क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और अगर तुम एक जगह जगह पे स्टक हो जाते हो तो आगे क्वेश्चन वो एक तरह से डिमोटिवेट कर सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव यस बी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट देर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो जो की पॉजिटिव है अभी जीरो एक्स की जगह जीरो डालते हो तो मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ वाई विल बी लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस एप्सलॉन तो अपना फंक्शन हो जाता है बाउंडेड तो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो कि एफ इज यस इज सेट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस सच दैट एफ इज बाउंडेड अब यहां पे अगर तुम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहते हो और फिर एग्जाम्पल से सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम हम एग्जाम्पल लेके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो एग्जाम्पल लो यफ अपना फंक्शन लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स और जीरो पे भी हम वैल्यू वन ले सकते हैं तो ये फंक्शन तो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है लेकिन हम एक्सल एप्सलॉन को दो से ऊपर से एप्सलॉन इक्वल टू फोर लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन फोर यहाँ पे फॉर ऑल एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा तो कंटिन्यू फर्स्ट ऑप्शन हट जाता है सेकंड ऑप्शन भी हट जाता है क्योंकि अपना फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और कॉन्स्टेंट वाला भी ऑप्शन हट जाता है तो बचा ऑप्शन थ्री अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो यहाँ पे एक यस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स इन द क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन फोर सच दैट साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आपने को पता है साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉर्डिनेट तो सुप्रीम होगा पाए और इन्फीम होगा जीरो तो इसमें अपना थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है इन्फिमम लेस देन जीरो तो गलत है सुप्रीम डज नॉट एग्जिस्ट भी गलत है ऑप्शन थ्री सही है और ऑप्शन फोर भी गलत है तो अपना ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन थ्री सुप्रीम ऑफ एस इक्वल टू पाए ये बस इस क्वेश्चन में बस या की डेफिनेशन टेस्ट करना चाह रहे वो लोग तो और साइन एक्स अपने को पता रहना चाहिए कि साइन एक्स जीरो टू पाए में पॉजिटिव होता है तो चलो ये रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिसम्बर ट्वेंटी के पेपर में से अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में मैंने आलजिब्रा के सारे क्वेश्चन इसी पेपर में से किए थे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं आप अगर चाहते हो तो चाहते हो कि मैं इसी टाइप के और वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ स्टॉप शेयर